नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, बॉटनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज हम वनस्पति शास्त्र के जिस चैप्टर की पॉइंट की बात करते हैं वो है बीजों का प्रकीर्णन वायु द्वारा, अर्थात डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड्स। फल एवं बीजों में प्रकीर्णन का सबसे अधिक प्रभावी जो माध्यम है वो है वायु के माध्यम से होता है। जो बीज वायु के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं उनमें अनेक प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती है, जो जनक पौधे से दूर ले जाने में उनको सहायक होती है। और ये जो प्रकीर्णित बीज हल्के होते हैं, विंड इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन एजेंसी इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। विंड डिस्पर्स द सीड्स आर लाइट वेटेड एंड दिस सीड हैव अ वैरायटी ऑफ एडेप्टेशन डिवाइसेस which help them to be carried away by wind। और उनके प्रमुख उदाहरणों की हम बात करते हैं। नंबर वन वो है लाइट वेट एंड माइन्यूट सीड्स एंड फोर्स, हल्के व छोटे बीज और फल। लाइट सीड्स आर कैरिड अवे बाई विंड करंट्स। कुछ बीज व फल इतने हल्के और छोटे प्रकार आकार के होते हैं कि इनको वायु आसानी से उड़ा ले जाती है। ऑर्किड्स के बीज बहुत छोटे, हल्के व शुष्क होते हैं, इस कारण धीमी बहती हवा में भी उड़ते रहते हैं। इनकी सूक्ष्मता का अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि इनके एक कैप्सूल फल में लाखों बीज समा जाते हैं। अनेक घासों के बीज भी छोटे और हल्के होते हैं। दूसरी हम बात करते हैं विंड सीड्स की, अर्थात पक्षमयुक्त बीज। पक्षमयुक्त बीज और पक्षमयुक्त फल, अनेक बीज व फल प्रकीर्णन के लिए एक या अनेक पंख उत्पन्न करते हैं जो पतले होते हैं। पहले हम बात करते हैं पंखयुक्त बीज की। उनके उदाहरण है जैसे जेकेरिंडा, ओरोजाइलम, एलेंथस, मोरिंगा, लेजरोस्ट्रोमिया, सिंकोना और पाइनस। इनके बीज पंखदार होते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं पंखयुक्त पंखदार फलों की, जैसे एसर, होलोप्टेलिया, टर्मिनेलिया मेरियोकार्पा, ओपिया, शोरिया, हिप्टेज बेंगालेंसिस, फ्रेक्सिनस, डिप्टेरोकार्पस और जटाशंकरी जिसे हम कहते हैं डाइस्कोरिया। तीसरे उदाहरण पर हम आते हैं पैराशूट मैकेनिज्म, अर्थात पैराशूट क्रियाविधि। कंपोजिटी या जिसका नया नाम एस्ट्रेसी, उनके कुल के जो सदस्य हैं उसमें पुष्प का बाहेदल पुंज कैलेक्स रोमिल संरचना पेपस में रूपांतरित हो जाता है। ये चिरस्थाई होता है, इसे रोम गुच्छ अर्थात पेपस कहते हैं। पेपस युक्त फल मुंडक मतलब हेड से अलग होकर वायु में आते हैं तो ये पेपस पैराशूट की भांति खुल जाता है। इस प्रकार ये फल हवा के वेग के साथ साथ काफी दूर तक पहुंच जाते हैं। जब हवा धीमी हो जाती है तो ये फल भी पैराशूट की भांति जमीन पर आ जाते हैं और ये बहुत दूर तक प्रकीर्णित हो जाते हैं। अगला उदाहरण है रोलिंग मैकेनिज्म। उससे पहले हम बात करते हैं सेंसर मैकेनिज्म, दोलक्षेप क्रियाविधि। इस विधि में कैप्सूल या संपुट फल स्फुटित तो हो जाते हैं लेकिन उनमें बीज उस समय तक नहीं निकलते जब तक कि वे हवा द्वारा या किसी जानवर द्वारा झचकोड़ नहीं दिए जाएं। इस प्रक्रिया से एक ही समय में कम बीज निकलते हैं और प्रकीर्णन लंबे समय तक चलता रहता है। इसे दोलक्षेप मैकेनिज्म कहते हैं, मतलब सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। इसके जो उदाहरण है वह है एंटीराइनम मेजस, एरिस्टोरोकिया एलिगेंस, आर्जिमोन मैक्सिकाना, पेपेवर। अगले में हम बात करते हैं अब रोलिंग मैकेनिज्म अर्थात बेलनी क्रियाविधि। कुछ छोटे व अल्पजीवी पौधे अर्थात एफेमेरल्स प्लांट अपना जीवन चक्र तुरंत समाप्त कर सूख जाते हैं और तेज वायु के कारण जड़ सहित उखड़ जाते हैं। फिर ये तेज हवा या आंधी में रोलिंग होते रहते हैं और दूर दूर तक चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में इनके बीज रास्ते में गिरते चले जाते हैं। इनके उदाहरण हम देखते हैं
साल्सोला, कार्थेमस, एमरेंथस, चिनोपोडियम आदि। इस प्रकार के पौधे जो ये रोलिंग मैकेनिज्म दिखाते हैं, इन सबको सामूहिक रूप से टंबल वीड्स कहते हैं। सच रोलिंग प्लांट्स आर कलेक्टिवली नोन एज टंबल वीड्स। वायु द्वारा प्रकीर्णन में हम अगला एग्जांपल लेते हैं, हेयर्स द्वारा अर्थात रोम। कुछ पौधों में बीजों के ऊपर रोम पाए जाते हैं जो या तो गुच्छों या बीज के चारों ओर उपस्थित होते हैं, जैसे कपास में बीज के चारों ओर रोम ये इकट्ठे होते हैं। केलाट्रोपिस या एस्किल्पियास में बीज पर रोम का गुच्छ बीजों के दोनों सिरों पर होता है। ये रोम बीजों को हवा में उड़ाने में सहायक होता है और इस प्रकार ये काफी दूर दूर तक चले जाते हैं। तो जो हेयर्स जो हम देखते हैं रोम द्वारा प्रकीर्णन है, उसमें उदाहरण जो हमने देखे गॉसिपियम, केलोट्रोपिस, एस्किल्पियास एंड एस्टोनिया। अगला जो सातवां पॉइंट हम बात करेंगे बीजों द्वारा वायु द्वारा प्रकीर्णन की, वो है परसिस्टेंट स्टाइल्स अर्थात चिरलग्नी वर्तिका। कुछ पौधों के पुष्पों में वर्तिका अर्थात स्टाइल चिरलग्न एवं रोमिल होती है और इस प्रकार इस कारण फल आसानी से वायु के द्वारा उड़ा लिए जाते हैं। परसिस्टेंट एंड हेयरी स्टाइल्स ऑफ सम प्लांट्स हेल्प द फ्रूट्स इन फ्लोटिंग इन द एयर। और इसके एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं क्लीमेटिस, नार्वेलिया और जिरेनियम। आठवें बिंदु की आखिरी बिंदु की हम बात करते हैं वायु द्वारा प्रकीर्णन में, वो है बेलून लाइक एपेंडेजेस अर्थात गुब्बारे सदस्य उपांग। कुछ पौधों जैसे कार्डियोस्पर्मम, फाइजेलिस पेरुवियाना, निकेंड्रा इत्यादि में फलों में गुब्बारे जैसे एपेंडेजेस उपांग बन जाते हैं। इससे ये फल हल्के होकर वायु में तैरने लगने के योग्य बन जाते हैं और हवा के माध्यम से काफी दूर तक चले जाते हैं। कार्डियोस्पर्मम में जो कैप्सूल है वो फूलकर गुब्बारे की तरह हो जाता है, जबकि फाइजेलिस पेरुवियाना अर्थात रस भरी में और निकेंड्रा में चिरलग्न बाहेदल फूलकर गुब्बारे की तरह संरचना बनाते हैं। लिंडन बर्जिया लिंडेन के जो फल हैं वो एक पत्ती समान सहपत्र ब्रैक्ट से जुड़े रहते हैं और हवा में तैरते फलों को दूर दूर तक पहुंचा देते हैं। इसके एग्जांपल में आपने देखा कार्डियोस्पर्मम, फाइसेलिस पेरुवियाना, निकेंड्रा और टीलिया अमेरिका में। तो ये हमने आज बात करी है बीजों द्वारा, बीजों का जो प्रकीर्णन है वायु द्वारा जो होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड्स। धन्यवाद।